हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी से ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया ट्रिक लाऊंगा गूगल डायलर वाला, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल डायलर के अंदर आपको कैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल करना है और जो कॉल अनाउंसमेंट है उसको कैसे परमानेंटली आपको डिसेबल करना है। तो दोस्तों आज वो वीडियो आ चुका है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको गूगल डायलर के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे एनेबल करना है, साथ में जो कॉल अनाउंसमेंट है उसको कैसे डिसेबल करना है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, 100% ये रियल ट्रिक है, फेक बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, अगर आप कोई भी स्टेप को स्किप कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं Realme 7 Pro का यूज कर रहा हूं। आपके पास कोई भी ऐसा फोन है जिसके अंदर Google डायलर प्री इंस्टॉल आता है, जैसे कि मी का फोन हो गया, पोको, रेडमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी कंपनी का फोन है, आजकल जो भी नई कंपनी आती है उसके अंदर आपको Google डायलर प्री इंस्टॉल मिलता है। तो आप वो सभी फोन के अंदर इस ट्रिक को यूज करके ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल कर पाएंगे और साथ में जो कॉल अनाउंसमेंट है उसको डिसेबल कर पाएंगे। तो मैं आपको यहां पर डेमो दिखा देता हूं। जब भी हम किसी को कॉल लगाते हैं तब यहां पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलता है। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पर रिकॉर्डिंग का बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक साउंड आता है, दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डिंग। तो सामने वाले बंदे को पता लग जाएगा कि भाई आप उसका कॉल है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जल्दी से कट कर देगा और आपका कॉल रिकॉर्डिंग वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। रूट के बिना ही ये ऐप वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ परमिशन वगैरह है उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो सही से आपको सारे परमिशन है उसको अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको सही से इसको फॉलो करना है। तो दोस्तों यहां पर आपको जो एसिबिलिटी का परमिशन है उसमें आपको ध्यान रखना है। आपको नीचे जाना है, कॉल रिकॉर्डर का जो ऐप है उसके अंदर आपको यहां पर परमिशन को 2 बार इनेबल डिसेबल करना है, क्योंकि कुछ फोन के अंदर पहली बार में ये वर्क नहीं करता है। तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना है, 2 बार इसको इनेबल डिसेबल करना है और यहां पर जो स्क्रीन ओवरले वाला परमिशन है उसको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद यहां पर ग्रांट पर क्लिक करना है, ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक बार स्टार्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर आपको कुछ भी सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल आता है और जो यहां पर आपको कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको नोटिफिकेशन में जाके एक बार चेक कर लेना है। अगर यहां पर इसका एक पॉपअप आ गया, इसका मतलब कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो सही से हो चुका है। अभी दोस्तों यहां पर हम गूगल डायलर में जाके कंपनी को कॉल लगाकर मैं आपको सुना देता हूं। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल पर ये वर्क करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको फुल वॉल्यूम रखना है, वरना आपका जो वॉल्यूम लेवल है रिकॉर्डिंग का वो सही से नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, इसको आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप यहां से रिकॉर्ड करेंगे तो भाई सामने वाले बंदे को पता लग जाएगा। यहां पर अगर आप चेक करें तो भाई हमारा कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी दोस्तों हम यहां पर कॉल को एंड करेंगे, होम स्क्रीन में जाएंगे और यहां पर अगर आप देखें नोटिफिकेशन सेट के अंदर, तो भाई फाइनली हमारा जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं आपको यहां पर प्ले करके भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 31 सेकंड का हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो हो चुका है। अभी यहां से हम इसको प्ले शेयर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई इस तरीके से आप किसी का भी कॉल है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि गूगल डायलर के अंदर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल कर पाएंगे, साथ में जो कॉल अनाउंसमेंट है उसको भी डिसेबल कर पाएंगे। अभी दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये सिर्फ आउटगोइंग कॉल के लिए वर्क करता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां से मैं अपने दूसरे फोन के अंदर से ये वाला जो फोन है उसके अंदर कॉल लगाता हूं और आपको डेमो दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर हमारा कॉल आ चुका है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं।
तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखें तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग वो इनेबल हो चुका है, ऑटोमेटिकली कॉल हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी गूगल डायलर वाले फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं, साथ में जो कॉल अनाउंसमेंट है उसको परमानेंटली डिसेबल कर पाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आपके फोन के अंदर ये ट्रिक वर्क करे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने परमिशन वगैरह सही से नहीं दी है तो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, वापस से इंस्टॉल कीजिए, सारे स्टेप से उसको फॉलो कीजिए तो ये वर्क करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन मैं ऐसा एक नए वीडियो अपलोड करता हूं। तो बस गाइज आज का वीडियो यहीं तक था, मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ।